सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली की जो रात है उस पर धन कमाने के कुछ अचूक फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ। हमारा चैनल शुभ लाभ जो है आप उसे देखते रहिए और आज मैं आपको बता देती हूँ कुछ उपाय। मैं कहते हैं कि दीपावली को देवी लक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। नाग केसर का प्रयोग भी पूजा में किया जाता है। तंत्र के अनुसार दीपावली के दिन नाग केसर के कुछ सरल उपाय करने से व्यक्ति आर्थिक तंगी से बच सकता है। इसके साथ ही यह उपाय व्यक्ति को आश्चर्यजनक रूप से धनवान बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से हमें ये उपाय करने हैं। दीपावली के दिन किसी भी शुभ मुहूर्त में नाग केसर और 5 सिक्के एक कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से घर में कभी भी पैसे की तंगी नहीं होती है। आर्थिक तंगी से बचने के लिए चांदी की छोटी डिब्बी में नाग केसर और शहद बंद करके तिजोरी में रखने से लाभ होगा। हर दीपावली पर इसे बदल दीपावली के दिन शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात बिल्व पत्र और नाग केसर के फूल अर्पित करें और उसके बाद प्रसाद चढ़ाएं। अर्पित किए हुए बिल्व पत्रों पर व फूलों को तिजोरी में रख दें तो इससे भी कभी भी आपके घर में आर्थिक तंगी नहीं होगी। नाग केसर, हल्दी, सुपारी, 1 सिक्का, चांदी का टुकड़ा और अक्षत को कपड़े में बांध करके दीपावली के दिन पूजा में रखें। अक्षत यानी चावल है यहाँ पर। पूजा के पश्चात इस पोटली को तिजोरी में रख दें तो आर्थिक तंगी से आप बचते रहेंगे। दीपावली से लेकर प्रतिदिन केसर का तिलक लगाने से घर में होने वाली कलह से छुटकारा मिलता है। कपड़े में नाग केसर लपेटकर तिजोरी में रखने से धन के आगमन में कभी भी कमी नहीं होती है। दीपावली के दिन नाग केसर से घर के बाहर और पूजा स्थल पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इस प्रकार से आपके जो माता लक्ष्मी की कृपा है हमेशा आप पर बनी रहेगी। नाग केसर कहीं भी आपको मार्केट में पंसारी के यहाँ मिल जाता है और शुभ दीपावली आपके लिए अच्छी रहे, यही मेरी कामना है। देखते रहें हमारा शुभ लाभ चैनल इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। एक वो अलग से चैनल है, उस पे आपको सब वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।